हेलो दोस्तों, आज मेरे पास एस्टर है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी कुछ सेटिंग, कुछ हिडन सेटिंग भी है, कुछ कईयों को बारे को पता नहीं होगा कि इसका जो म्यूज़िक प्लेयर है या जो है उसकी टोन सेटिंग कैसे की जाए, कहीं पता नहीं चलता है, लिखा नहीं होगा। सबसे पहले आपको मोर में जाना है, फिर सेटिंग में जाना है। तो गाइज, एक इसका ये फीचर है कि आप अगर इसमें इसकी होम स्क्रीन में अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हो, पिक्चर कोई भी वॉलपेपर अपना लगाना चाहते हो, तो आप USB लगा सकते हो, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो गाइस अभी अपलोड देखता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई USB नहीं है, अगर होती तो यहाँ पे पिक्चर अपलोड हो जाती। ये देखिए USB इज नॉट कनेक्टेड। तो गाइस ये कुछ इसकी सेटिंग है। अगर डिस्प्ले में जाऊँगा तो यहाँ पे आ जाएगा नाइट वगैरह, ये तो चलो वॉलपेपर। अभी आपको साउंड की सेटिंग है, जो साउंड पे जाना है सबसे पहले। सबसे पहले आपको टोन इफेक्ट, ये देखिए टोन इफेक्ट मैं अपने तरीके सेट कर सकता हूँ, मेरे को ये सेट करने हैं तो मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ अगर मेरे को मैनुअली रखने हैं। ये देखिए मैनुअली सेट कर सकता हूँ, तो काफ़ी आपकी गाड़ी को फ़र्क पड़ेगा। ये कहते हैं कि एस्टर का म्यूज़िक अच्छा नहीं है, भाई यहाँ से सेटिंग कर लो, आपका म्यूज़िक एकदम अच्छा हो जाएगा, बढ़िया म्यूज़िक हो जाएगा। मैनुअल में जाना है, रॉक सेटिंग करो, जैज सेटिंग कर लो, रॉक पे आपके कर सकते हो, अच्छा म्यूज़िक हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे सेटिंग करना है वॉल्यूम, चलो ये तो अंकल की बात है, लो रखना है सिस्टम नोटिफिकेशन तो लो ही रखते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आ गया। होप सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, टोन इफेक्ट के बारे में पता चला होगा। म्यूज़िक MG का भाई सभी गाड़ियों का अच्छा है। ओके गाइस, थैंक यू। होप सो लाइक सब्सक्राइब कर देना यार।